हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। और मैं हूं सुनील। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रिएक्शन चैनल पे। और आज जिस वीडियो का हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है गुलजार गुलजार चन्नीवाला गुलजार का। चन्नीवाला जी का गाना। तो गाने का नाम है उत्तराखंड के राजा। अब बात होगी इस तो गाने में उत्तराखंड की। उत्तराखंड की बात होती है, देखते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को। भाई एक लाख उखर छोड़ रखे है। और गोविंद भाई बढ़िया भाई किन्नर है आजकल, दिखा ही को नहीं। के बताऊं यार, तने भी हासिया होगी। के बात होगी, न्यू कह भगवान ने मिलूंगा फेस टू फेस। भगवान ता है, भगवान मिलेगा कदे किसी ने। यही बात तो हम भगवान हो मन में आ रहे। रे भोले के भगत सा, रिस्क तो जिंदगी में लेने पड़ेंगे। हर 4 साल हो गए बाबा मनान दे, युवका तो दर्शन देने पड़ेंगे। युवका तो दर्शन देने पड़ेंगे। रह भोले रोड़ा हो जाएगा जे डमरू तने बजाया ना। इतनी दूर हरियाणे तम डरेक सुनने ने आया। मुकुट पचंदा केश में गंगा डुबकी लगा ले, तन मन चंगा गल में लटका नाग मर जट के राडी जे आग लगा जा। हा उत्तराखंड के राजा नंदी ने लेके आ जा, पवित्र जल मा गंगा मेरी नैया पार लगा जा। हा उत्तराखंड के राजा नंदी ने लेके आ जा, पवित्र जल मा गंगा मेरी नैया पार लगा जा। हा उत्तराखंड के राजा बोले। तेरे फैन कसुते हरियाणा में चोरे गम के, पावे सटीकर लागे गाड़ी पे तेरे नाम के। पावे सटीकर लागे गाड़ी पे तेरे नाम के। केदारनाथ तो अमरनाथ तो हरिद्वार जाता, ढूंढ ढूंढ के थक गए पर तन तरस नहीं आता। जा कर ले नखरे तन असली का टकरे, वैसे झूले तगड़े भी कहने बगिया ताजा। हा उत्तराखंड के राजा नंदी ने लेके आजा, पवित्र जल मा गंगा मेरी नैया पार लगा जा। हा उत्तराखंड के राजा नंदी ने लेके आजा, पवित्र जल मा गंगा मेरी नैया पार लगा जा। हा उत्तराखंड के राजा बोले। हरे हरे महादेव शिव शंभु, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव शिव शंभु, हरे हरे रे। सामना है बारिश हो रही, हेटरा के खारिश हो रही, भोले की रे गोरा माता बांग की सिफारिश हो रही। क्या तो ना बतावे भोले, टाइम चलता जावे भोले, कावड़िया ने देख ले तेरे खातर से आवे भोले। शंभू आ जावा मेरे अपने आप, हम तो बस एड्रेस दे दिए, एक बार फेस टू फेस आके मिल ले, चाहे जितना कैस ले लिए। तने कितना प्यार करे छानी आला नारे अंदाजा। हा उत्तराखंड के, हा उत्तराखंड के, हा उत्तराखंड के राजा नंदी ने लेके आजा, पवित्र जल मा गंगा मेरी नैया पार लगा जा। हा उत्तराखंड के राजा नंदी ने लेके आजा, पवित्र जल मा गंगा मेरी नैया पार लगा जा। आ गए गुलजार मेरे भक्त, मुझे बुलाए और मैं ना आऊं। तुम्हारी एक बात का जवाब देना था मुझे, वो कैसे कहते हो तुम, लव यू टू सैतन है। खतरी की बीट रहे हो
जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय हरियाणा। चलो भाई, ये था गाना, बहुत ही बढ़िया, उत्तराखंड के राजा। और बेसिकली अगर उत्तराखंड के राजा की बात करें तो जैसे इन्होंने बोला कि उत्तराखंड के राजा, तो उसमें बात हुई है भोलेनाथ की। और भोलेनाथ की सिर्फ अगर मैं बात करूं तो सिर्फ वो उत्तराखंड के राजा नहीं, वो पूरे विश्व के, ब्रह्मांड के राजा हैं। और उत्तराखंड में जैसे ज़्यादातर ये सारे धाम हैं, सारे धाम हैं। उत्तराखंड को बेसिकली देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे आपके जो भी धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारे वहीं पे ही हैं मोस्टली। और आपके हरिद्वार की जो हर की पौड़ी है, हरिद्वार में भी काफ़ी मानते हैं, ऋषिकेश हो गया, तो है तो सारा ही, पूरा ही जो उत्तराखंड है वो देवभूमि ही है। हर जगह मंदिर है। अब इसमें जो मंदिर दिखाया गया वो भी किसी पहाड़ी के ऊपर दिखाया, बिल्कुल टॉप पे। तो यानी गाने में बेसिकली जो इनका मोटिव था कि भगवान से मिलना, तो इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया कि मुझे भगवान से फेस टू फेस मिलना है। और एक बात तो सच है कि अगर आप भगवान से मिलना चाहते हो तो आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तो भगवान आपको एक दिन जरूर मिलेंगे। तो वही वीडियो में भी दिखाया गया कि वो बुक में कुछ देखता है, किसी पुराना मतलब कोई मंदिर है, तो उसके हिसाब से वो उसे ढूंढने जाते हैं उत्तराखंड में। उसमें देखा ना कि भगवान कैसे मिलते हैं, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ भगवान मिलेंगे, तो उसने वो सारी चीज़ें ढूंढी। और उसके बाद ढूंढते ढूंढते पहुँचे भगवान के पास। उन्होंने बीच में एक लाइन बोली है कि चाहे जितना भी कैश हो एक बार ले लेना और मुझे दर्शन दे देना। तो बेसिकली भगवान कभी भी कैश की बात नहीं करते, भगवान सिर्फ बात करते हैं आपकी भक्ति की, यानी आपके मन में श्रद्धा कितनी है, भक्ति कितनी है। जितना आप भगवान को दिल से चाहोगे उसी के अकॉर्डिंग भगवान आपको बहुत ईजिली मिल जाते हैं। और आजकल ये कांवड़ियों वाला भी चला हुआ है, तो ये गाना वैसे ही इस टाइम पे अगर आप निकालोगे तो भाई चलेगा ही चलेगा। और सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में आप समझ सकते हो कि भगवान भोले की भक्ति कितनी ज्यादा करते हैं लोग। और कांवड़ यात्रा इस टाइम चली हुई है, पूरे पीक पे है, मतलब पूरे रोड्स पे आपको दिख जाएंगे ये चलते हैं। आपको हर जगह से, हरियाणा से लेके, यूपी से लेके, दिल्ली से लेके, आप जिस भी जगह में देखोगे तो आपको ऑन रोड कांवड़ वाले चलते मिलेंगे, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, कभी भी आप देखोगे तो इस टाइम मिल जाएंगे आपको। और अभी मैं पढ़ रहा था पीछे, हरिद्वार में तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा मतलब वो भी विजिट कर चुके हैं वहाँ पे, हरिद्वार में लोग सावन के महीने में। सावन का सोमवार हुआ या शिवरात्रि वाले दिन तो इतनी भीड़ हो जाती है कि आपके लिए वहाँ पे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गुलजार चन्नी वाला के पुराने गाने भी बहुत ही हमने सुने हैं, काफ़ी आवाज़ इनकी थोड़ी सी तीखी है पर बड़ी है, मतलब हरियाणा के हिसाब से अच्छी लगती है ये। हाँ, यानी जो इनके म्यूजिक के अकॉर्डिंग जो जैसा ये म्यूजिक यूज करते हैं, उस म्यूजिक को अपनी आवाज के साथ बहुत अच्छा सा मिक्सअप करके, और इनके जो लिरिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इमोशनल करने वाले होते हैं। हाँ, थोड़े मतलब वीडियोज कुछ ऐसे होते हैं, और थोड़ा जैसे इनके जो हरियाणवी वो है टोन तो वो बड़ी अच्छी सी लगती है, मतलब गाना सुनने में आपको, और उसी के थ्रू ये काफी फेमस हुए हैं, काफी बढ़िया इनका रहा है, हिस्ट्री भी काफी अच्छी है। ओवरऑल ये गाना काफी अच्छा था, यानी ये मान लो कि बहुत अच्छा कह सकते हैं इसे हम, क्योंकि और इस टाइम ये सावन में आया है, तो अब आप देखोगे तो कांवड़ वालों के जितने भी डीजे जो डाक कांवड़ लेके जाते हैं उसमें गाना जरूर बज रहा होगा, जितने भी अपने कैंप लगे होते हैं उनमें गाना जरूर बजता मिल जाएगा। और म्यूजिक थोड़ा सा हमें सुना हुआ लग रहा था कहीं। हाँ, ये बेसिकली पुराना गाना है, उससे थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं सुना हुआ है हमने, पर अभी माइंड में नहीं आ रहा वो गाना कौन सा है। तो चलो, गाना तो बहुत ही बढ़िया था, हमें तो बहुत ही बढ़िया लगा। आपको ये गाना कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।